यह वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ एरीज राशि का, मेष राशि का 2018 में करियर, फाइनेंस, रिलेशनशिप, हेल्थ और स्पिरिचुअलिटी कैसे रहने वाला है। एरीज राशि का करियर बहुत अच्छा यहाँ बता रहा है और उन्हें काफी नए अपॉर्चुनिटीज, समथिंग डिफरेंट फ्रॉम देयर करंट प्रोफाइल उनके पास आने वाला है। हो सकता है कुछ लोग अपना बिजनेस भी स्टार्ट करें और अगर वो फ्लो के साथ जाते हैं, जो अपॉर्चुनिटी आता है उसे एक्सेप्ट करते हैं, तो उनका करियर काफी पॉजिटिव दिखा रहा है। उन्हें डिसीशंस इमीडिएट लेने हैं, ज्यादा सोचना नहीं है। जो भी नया अवसर उनके पास आ रहा है उसको ग्रैब करना है, इससे उनका करियर बहुत अच्छा हो जाएगा। फाइनेंस, पास्ट में जो भी अपॉर्चुनिटीज चले गए हैं, जहां वो पैसा नहीं बना सके हैं, उनके बारे में ज्यादा सोचना, रिग्रेट नहीं करना है। प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचकर उन्हें अपने फाइनेंशियल कंडीशन को बेटर करना है। जो भी पास्ट में उन्हें लॉसेस हुए, जो भी उन्हें पास्ट में नेगेटिविटीज झेलने पड़े, वो एक लर्निंग फेज था, उसमें से आप सीखे। अब उसे फिर से नहीं दोहराना है, वही गलतियों को फिर से नहीं दोहराना है। तो आपका, अगर आप उस गलतियों में से सीखकर उन गलतियों को रिपीट नहीं करते हैं, तो आपका फाइनेंस, आपका पैसा जल्द ही बढ़ेगा। रिलेशनशिप में हार्मनी दिखाता है, पीस दिखाता है और जो भी, जिस भी प्रकार की नेगेटिविटी आप दोनों के बीच चल रही है, तो उसे पास्ट की पॉजिटिव चीजों को याद करके, पास्ट की पॉजिटिव चीजों को ज्यादा इम्पोर्टेंस देना है, ना कि अभी की नेगेटिविटी को। नेगेटिव चीजों को देखेंगे तो रिलेशनशिप में हार्मनी नहीं रहेगी और पास्ट के पॉजिटिव चीजें देखकर आपको रिलेशनशिप को आगे लेकर जाना है। जो अनमैरिड है उनका, उनको पार्टनर बहुत इजीली मिलेगा, उन्हें ज्यादा सर्च नहीं करना पड़ेगा। और जो मैरिड है उनके लाइफ में बैलेंस दिखाता है, हार्मनी दिखाता है। हेल्थ उनका परफेक्टली फाइन दिखाता है एरीज राशि का, और आध्यात्मिक में भी उनकी काफी उन्नति दिखाता है कि उनको पूजा पाठ करना चाहिए और आपको सोच समझ कर आपके स्पिरिचुअल ट्रिप्स की प्लानिंग करनी चाहिए। और ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर, काफी स्पिरिचुअल टूर्स भी आपके होंगे और आप सोच समझ कर निर्णय लेंगे और आपका आध्यात्मिक उन्नति इस साल में जरूर होने वाला है। सबसे ज्यादा ध्यान आपको आपके फाइनेंस पे देना है, क्योंकि वो पार्ट थोड़ा सा नेगेटिव है। करियर, रिलेशनशिप, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, ये सब पॉजिटिव दिखाता है। फाइनेंस दिखाता है कि पास्ट के ऊपर बहुत ज्यादा समय आप वेस्ट कर रहे हो, आपको सिर्फ प्रेजेंट और फ्यूचर का सोचकर आगे बढ़ना है, पास्ट में जो भी हुआ उसे भूल जाना है। थैंक यू।